हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मीठू। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड आइसक्रीम। ये बहुत ही कम सामान में बन जाती है और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। समर के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं कढ़ाई में ले रही हूँ 2 कप फुल क्रीम दूध, और इसे हम एकदम हाई फ्लेम में पहले बॉयल कर लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। और जब इसमें बॉयल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसे लगातार चलाते रहिए ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए और नीचे लगे ना। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है। और इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड ले रही हूँ, चाहे तो आप वनीला फ्लेवर कस्टर्ड भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसे धीरे धीरे डालते जाइए और दूसरे हाथ से इसे लगातार चलाते रहिए ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। अब हम इसे लो फ्लेम में 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, मतलब इसे हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। तो अभी देखिए कस्टर्ड पहले से काफ़ी थिक हो गया है। इसके पीछे से देखें तो ये अच्छे से कोट हो रहा है। तो ये कस्टर्ड तैयार है। तो अभी इसे रख देते हैं, इसे पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने देते हैं। तो अभी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ गया है, ये पहले से काफ़ी थिक हो गया। तो आप इसे एक अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम कुछ देर तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो अभी मैं एक बोल में ले रही हूँ 1 कप एकदम ठंडा व्हिपिंग क्रीम। तो अभी इसे व्हिप कर लेंगे। इसे तब तक व्हिप करना है जब तक इसमें एकदम स्टीफ पीक ना आ जाए। इसे होने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और मैंने जो व्हिप क्रीम लिया है ये ऑलरेडी मीठी है, तो मैं इसमें और चीनी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको इसमें चीनी डालना है तो इस टाइम आप पाउडर शुगर डाल सकते, नहीं तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते। तो अभी इसमें स्टीफ पीक आ चुकी है, तो अब हम इसमें कस्टर्ड को मिक्स कर देंगे। और अभी हम फिर से दोबारा से इसे व्हिप कर लेंगे। तो मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए व्हिप कर लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अभी इसे कोई एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। चाहे तो आप इसे कोई एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। और 3-4 घंटे के बाद जब ये आधा सेट हो जाएगा तब हम फिर से इसे व्हिप करेंगे। इस तरह से दोबारा व्हिप करने से ये जो आइसक्रीम बनती है ये काफ़ी सिल्की और स्मूथ बनती है। तो आप दोबारा से इसे व्हिप जरूर कीजिएगा। तो मैंने अभी इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लिया है। तो अभी मैं इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिए है ब्लैक और ग्रीन ग्रेप्स, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। और इसे मैंने एकदम बारीक करके काटा है। आप इसमें अपना मनपसंद कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसमें मैंगो, पाइनएप्पल कुछ भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अनार टूटी फूटी, और मैंने थोड़ा सा बादाम और काजू काट के लिए है। तो सब कुछ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस आइसक्रीम को सिर्फ टूटी फूटी से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसे एक अलग कंटेनर में, मतलब एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स इस तरह से सजा देंगे। ये देखने में जितना कलरफुल होता है ये खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो अब इसे कवर कर देते हैं और इसे हम फ्रीज़र में 10-12 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते। तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।